हेलो एवरीवन, मैं ममता। स्वागत है आपका ममता मीणा फैमिली चैनल में। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से एक लहंगा ओढ़ने का वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये जो पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया था वो थोड़ी हैवी ड्रेस थी, और ये जो है ये लाइट वेट है। लाइट वेट से मतलब है कि इसको आप घर में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक बिल्कुल लाइट वेट ओढ़नी और एक लाइट सा लहंगा और ब्लाउज लिया है। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो आप मेरे इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। तो इसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसका मतलब उसकी प्राइस का और कहाँ से लिया है, कैसे बनवाया है, उससे संबंधित इतने मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उससे पहले आकर कमेंट करने लगते हैं। मैंने उस वीडियो में उसकी हर एक बात बताई है कि मैंने उसे कहाँ से लिया है, कैसे स्टिच करवाया है, और ब्लाउज़ कैसे बनवाया है, ब्लाउज़ कहाँ से लिया है, ओढ़नी कहाँ से ली है, लहंगा कहाँ से लिया है। मैंने उसमें सब बताया है, कितने का लिया है ये भी बताया है, कितनी उसकी सिलाई है, मैंने सब बताया है उसमें। फिर भी लोग बागों के बहुत सारे कमेंट हैं, कितने की ओढ़नी है, कितने का ब्लाउज़ है, कितने का लहंगा है, और इसमें लहंगे के लिए पूछते हैं कि इसमें कितना मीटर कपड़ा है, और ओढ़नी के लिए पूछता है ये कहाँ से लिया, जबकि मैंने सब बताया है कि मैंने ओढ़नी कहाँ से ली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैंने उसमें सब बताया, और इसमें भी मैं सारी मतलब जितने भी हो सकेंगे सब बताने की कोशिश करूँगी, इनकी प्राइस और ये मैंने कहाँ से लिया है और कैसे सिलवाया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। व्यूज़ हज़ारों में हैं, 5,000 है, 6,000 है, लेकिन लाइक नहीं आते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, सॉरी वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं वैसे वीडियो और लाने की अपनी कोशिश को जारी रखूँ। तो सबसे पहले मैं ओढ़नी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये ओढ़नी है। वीडियो में थोड़ा इसका कलर अलग आ रहा है, लेकिन रियल में जितना आपको डार्क दिख रहा है उससे लाइट कलर है ये। और ये गोटा पत्ती की है। ये चारों तरफ इस तरीके की लेस लगी है, गोल्डन कलर के गोटे की, और ग्रीन कलर की ये पाइपिंग है इसके ऊपर। और उसके बाद में ये गोटा पत्ती के फूल और ये बेल बनी हुई है, और इनमें ये ब्लू कलर की पत्ती अलग से लगाई गई है। ये गोटा पत्ती नहीं है, ये वेलवेट है। तो इस तरीके से ये पूरी ओढ़नी है, और बीच बीच में इसमें ये फ्लावर बने हुए हैं, बूटे बने हुए हैं। बूटे इसमें साड़ी में सेम ही हैं, और ये डेढ़ पार्ट की ही है, ये डेढ़ पार्ट की है। और ये जो इसका कलर अब आपको दिख रहा है ये वैसी है, कपड़ा इसका बिल्कुल हल्का है, और पहनने के बाद में काफ़ी अच्छी भी लगती है, और बिल्कुल लाइट वेट है। इसको अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप इसको घर में भी पहन सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। इसको आप किसी भी ग्रीन कलर के लहंगे के साथ पहन सकती हैं, ब्लू कलर के लहंगे के साथ भी पहन सकती हैं। रेड के साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन ग्रीन और ब्लू ऐसे लहंगों के साथ ये काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसकी प्राइस 500 रुपये है, ये 500 की है, प्राइस 500 रुपये है इसकी। और ये मैंने खानियों वाली शॉप से ली थी, और खानियों वाली शॉप का एड्रेस आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। खानियों वाली शॉप के दो
वीडियो है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। और कई लोग मुझसे नंबर मांगते हैं शॉपकीपर के, तो नंबर मेरे पास नहीं है। एक बार मैंने दिए भी थे लेकिन उससे उनको काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने नंबर उनके ब्लर कर दिए थे वीडियो से। तो नंबर तो नहीं है लेकिन एड्रेस है। तो आप शॉप, अभी तो खैर बाज़ार ही बंद है, लेकिन जब भी लॉकडाउन हटेगा तो आप शॉप पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो ये ओढ़नी है, इसके बाद मैं ब्लाउज़ दिखा देती हूँ आपको। ये वेलवेट का ब्लाउज है, ये 12 इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स पर भी ये गोटा पत्ती का वर्क है और ये स्टोन्स भी लगे हुए हैं। और ये बैक नेक है इसकी, पीछे का गला, ये सिलने वाली ने इसको बिगाड़ दिया है लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं। तो ये पीछे का गला है और आगे से ये प्लेन है और इसको मैंने कपड़ा लेकर स्टिच करवाया था। ये 375 का था, पिछले साल का है ये। उस टाइम पे ये वर्क और ये वेलवेट वाले ब्लाउज चले ही थे तो ये थोड़ा महंगा था। तो ये मैंने खुद से स्टिच करवाया है, लेकिन जिन्होंने इसकी सिलाई की है उन्होंने ब्लाउज़ का बैंड बजा दिया। एक तो इसमें येलो कलर की पाइपिंग लगा दी और गला भी इसका ठीक नहीं है, पीछे का भी ठीक नहीं है, ना इसमें उन्होंने डोरी लगाई है, लेकिन फिर भी हम काम चला लेती हूँ मैं इससे। तो ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है और ये इसका लहंगा है, ग्रीन कलर का लहंगा है, ये पारचे का है। ये इसमें पूरे में बस ही गोल्डन कलर की प्रिंट है और कुछ भी नहीं है। इसको मैंने डबल अम्ब्रेला कट सिलाया है, पट्टी वाला अम्ब्रेला कट, और ये 4 मीटर का कपड़ा लिया था मैंने। ये लहंगे का कपड़ा 4 मीटर का लिया था और 100 रुपये मीटर लिया है इसको मैंने। और इसको मैंने यहीं से MP से, यहाँ पे एक सुमित मार्केट है सतना में, तो मैंने वहाँ से इसको 100 रुपये मीटर लिया था। तो 4 मीटर मैंने इसका कपड़ा लिया है और डबल अम्ब्रेला कट इसको सिलवाया है पट्टी लगवा कर, और इसकी सिलाई उन्होंने 150 रुपये ली थी। तो ये है लहंगा और मैं इनको आपको पहन कर दिखा दूँगी, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो सके कि पहनने के बाद में इसका लुक कैसा आता है। और जैसे कि ग्रीन कलर का लहंगा है तो ये भी कोई से भी कलर की ओढ़नी के साथ चला जाएगा, जैसे पीली के साथ, लाल के साथ, ऑरेंज के साथ, और ये थोड़ा गाजरी कलर है इसके साथ भी जा रहा है। और ये जो ओढ़नी है ये भी काफ़ी लहंगों के साथ चली जाएगी, ग्रीन, ब्लू, येलो, काफ़ी कलर के लहंगों के साथ ही अच्छे से चली जाएगी। और ये जो ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है तो ये ऐसा है कि इसको मतलब जैसे रेड के साथ, ग्रीन के साथ, ग्रीन कलर का ब्लाउज़ काफ़ी ड्रेसेस के साथ मैच हो जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने ऐसी ली हैं, तो ये मैं इसको आपको पहन के दिखा दूँगी कि इसका लुक कैसा आता है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो बनवा सकते हैं। तो यही था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली को 5K कर दीजिए। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ आप लोगों से, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, ट्राई।